रोवल इज साइनिंग ऑन गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रोवल। क्या बोलते गाइस, कैसे सभी लोग? तो गाइस सीन ऐसा है कि पीस की स्किन और अपना जो वेक्टर की नई वाली स्किन है और गोल्ड रॉयल बंडल जो आने वाला है अभी नेक्स्ट वाला, और मैं काफी ज्यादा गरी ने स्कैम्स किया है जो 15 अगस्त को है ना होने वाला है स्कैम, उसके बारे में भी रिलेटेड बताने वाला हूँ। जो है ना गरी ने फ्री फायर की तरफ से इवेंट थ्रू स्कैम होने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ गाइज आप सभी को। और अपना एक नया इमोट आने वाला है और एक नया कैरेक्टर आने वाला है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक के देखना। और भाई अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ दिक्कत अगर होंगी तो बोलना। ओके गाइज, तो गाइज ये वाला इमोट है जो काफी ज्यादा सही लग रहा है, और ये इमोट अभी नेक्स्ट वाला अपने को आने वाला है और कुछ अलग ही है ये अतरंगी इमोट है। इसे क्या ही नाम देंगे यार, कुछ ज्यादा ही न्यू वाला इमोट है। तो ये आप सबको ना देखने मिलने वाला है बहुत जल्दी, आप सभी को देखने मिलेगा गाइस। और ये कुछ नहीं बस उड़ी उड़ी उड़ी, और ये ना देखो दोनों में मेल और फीमेल में ये इमोट काम करता है। अब ये नई बात तो है नहीं कि मेल में अलग और फीमेल में अलग, दोनों एक ही जगह काम करता है और काफी ज्यादा कुछ अलग है यार, हटके इमोट है। तो ये वाला आएगा। तो नेक्स्ट अभी अपन देखेंगे कि एक नया कैरेक्टर आने वाला है जिसमें ना आपको ऑटोमेटिकली है ना वो है ना रिवाइव हो जाएगा, और ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला है। गरीना को हो गया हुआ समझ में नहीं आ रहा यार कि क्यों ऐसा कर रहा है, ये ना अलग ही चल रहा है यार इसके गरीना के सीन। ये ऑटोमेटिकली है ना रिवाइव कर देगा खुद को भी, और अपने टीममेट्स के पास जाके खुद को भी रिवाइव कर सकते हैं, मतलब खुद को मीन्स उनको, वो बंदे को अगर कोई नॉकआउट है उसके पास जाके ना एक बटन दबा देगा ऑटोमेटिक रिवाइव, और वहां से निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक रिवाइव हो जाएगा। कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे कैरेक्टर लेकर आ रहा है गरीना, अब वो उसी को पता है यार, लेकिन कुछ हटके ही कैरेक्टर। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, गरीना को हो क्या गया है कि ये कैरेक्टर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑटोमेटिक रिवाइव ये ना पूरा बैलेंस बिगाड़ देगा गेम का, और है ना पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा तो मजा नहीं आएगा। बंदे बोलेंगे कि ये अलग ही चल रहा है, अब पहले तो पेट फायर था ही, लेकिन अब है ना ये सीन कैरेक्टर में भी कुछ अलग ही लेकर आ रहा है। मतलब ऑटोमेटिक रिवाइव, बंदा अपन नॉक कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिक रिवाइव कर रहा है, मतलब अपना ने बंदों को मार भी दिया फिर भी रिवाइव हो रहा है वो बंदा, कुछ भी अजीब है ये। ये वाला फीचर बहुत ही गलत था। आप सभी को क्या लगता है मुझे ना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सभी को भी है ना ये गलत ही लगता है ना, ये कुछ ज्यादा ही गलत है। जैसे क्रोनो का सीन था, अब है ना ये तो कुछ ज्यादा हटके नेक्स्ट लेवल, एकदम गरीना की थिंकिंग कहा जाती है आप सभी को पता ही, मतलब नेक्स्ट लेवल जाता है वो, हटके सोचता है इस प्लेनेट से नहीं, वो बाहर के प्लेनेट से हाँ ना यार, मार्स से आया डायरेक्ट गरीना। तो गाइस ये एक नई वाली फीस की स्किन आने वाली है इसके तरफ से, अभी अपने बहुत जल्दी आपको देखने मिलने वाली है, और ये ना कुछ नई वाली है, ब्लू कलर की लग रही है, और ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक टाइप्स की है ये वाली स्किन, और ना भाई डेंजर वाली सीन लग रही है। तो ये ना थोड़ी हल्की है, लाइट वेट वाली स्किन है, और भाई थोड़ी दिलचस्प भी है, तो ये भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलने वाला है। ये है आपको ना लीक्स मिले तो वही बता रहा हूँ। तो गाइस रही बात थॉमसन गन की, तो थॉमसन गन की स्किन भी आपको ना ये जो स्क्रीन पे दिख रही है ये वाली आने वाली है, और है ना बहुत जल्दी आपको देखने मिलने वाली है ये वाली स्किन। और यार ये वाली स्किन में खास बात है कि ना ये थोड़ा हैवी नहीं है, लाइट वाली स्किन है, ज़्यादा कुछ ऐसा है ना बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है ये वाली स्किन सही लग रही है स्किन। और है ना इसमें थॉमसन में ना आपको है ना ये ऐसी इस टाइप से दिखेंगे फीमेल बंडल में, और है ना मतलब फीमेल का अपना कैरेक्टर रहेगा तो उसमें ना ऐसे पकड़ के आपको देखने मिलने वाला है ये वाली स्किन, और काफ़ी ज़्यादा सही भी है। तो गाइस ये वाली स्किन आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताना कि थॉमसन स्किन इज ओपी। ओके गाइस, अब रही बात गाइस वेक्टर की, तो वेक्टर में गाइस है ना दो वाले स्किन आने वाले, और एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। रेड मींस आग वाली, ब्लू मींस ठंडी वाली, मतलब अगर आग अगर ज्यादा ही गुस्सा आ गया एनिमी पे तो आप आग से फायर कर सकते हैं और रेड वाली स्किन यूज कर सकते हैं, और ज्यादा ठंड है कूल में मारना है बंदों को तो भाई है ना ब्लू वाली। ये तो मैं आप सबको अपनी दिल की बोल रहा हूँ, लेकिन गाइस है ना ये दो स्किन कन्फर्म है, ये दोनों आने वाली है अभी अपकमिंग स्किन से, और काफी ज्यादा सही लग रही है वेक्टर के दो स्किन, मतलब एट ए टाइम दिस इज रियली क्रेजी अबाउट दिस थिंग, ब्लू और रेड कलर की स्किन, तो मजे तो काफी आने वाले गाइस। वेक्टर इज भाई रॉकिंग है एकदम जबरदस्त। तो गाइस अब बात करते हैं कि गोल्ड रॉयल बंडल में कौन सा वाला आने वाला है। तो गाइस सभी को पता है कि काफी ज्यादा बंडल्स है ना पूरे चल रहे हैं, ये आएगा वो आएगा ये आएगा, लेकिन मैं आप सबको बताने वाला हूं कि ये वाला बंडल है ना 99.99% 100 नहीं बोलूंगा 99.1% छोड़ दूंगा, तो वो है ना 99.99% ये वाले बंडल की चांसेस है, ये बंडल आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं 99.99%। तो गाइस ये बंडल आपको देखने मिलने वाला है, कैसा लगा आपको ये बंडल बताना मुझे गोल्ड रॉयल में, क्योंकि ना ये अगर आता है तो आपको पता ही चल जाएगा। ओके गाइस, अब रही बात है ना 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन है ना, जैसे कि आप सभी को पता है कि 4th एनिवर्सरी भी अभी काफी नजदीक है, और ना 15 अगस्त का जो इवेंट है अब उसमें स्कैम क्या सीन है बताता हूं। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने ना नॉर्मली आपको पता है कि जब भी फेस्टिवल या फिर कुछ भी आता है अच्छे दिन आते हैं तो ना जो ओकेजनल अच्छे बड़े रहते हैं तो उसमें ना गरीना फ्री फायर जो इवेंट देता है फ्री रिवार्ड देता है और काफी ज्यादा एक्साइटिंग है ना गिफ्ट देता है, जैसे कि अपने जो फ्री फायर की ऑडियंस है उन सभी को खुश करने के लिए। लेकिन सीन ऐसा है गाइस कि देखो अभी 4th एनिवर्सरी भी नजदीक है और गरीना फ्री फायर के ज्यादा चांसेस सोर्सेस और लीक से पता चल रहा है कि यार गरीना फ्री फायर जो है वो है ना इस टाइम पे ना रिवार्ड्स वगैरह देने में
में कुछ है ना सीन करने वाला है। 15 अगस्त का रिवार्ड्स इवेंट जो भी रहेगा फ्री वाला, वो है ना 4th एनिवर्सरी में है ना कन्वर्ट, मतलब पूरा मिक्स कर देगा और बोलेगा कि यार 4th एनिवर्सरी में तो आ ही रहा है इसमें, लेकिन अपने को जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस देखो, अगर 15 अपना तो ये देखो 4th एनिवर्सरी तो नॉर्मली एक साल में एक बार, 15 अगस्त भी एक, दोनों के अलग अलग रिवार्ड्स मिलते हैं अपने को, लेकिन है ना इस बार है ना सीन ऐसा है ये चांसेस होने वाले, तो इसलिए अपने को है ना ये ना जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर है ना हैशटैग करना पड़ेगा हर, मतलब जो भी लाइव स्ट्रीम अगर होती है उसमें। चलो मैं गाइस वही सीन है, आप सबको है ना हैशटैग जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर कमेंट सेक्शन में लाइव स्ट्रीम में और फेसबुक इंस्टाग्राम जहां पे भी आप सबको होता है हैशटैग जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर करना। काफी ज्यादा जो यूट्यूबर्स है, जो अच्छे यूट्यूबर्स है जो है ना रियल और ट्रूथ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन सभी का भी सीन यही है, वो सब भी यही कर रहे हैं और हम सब जो भी एक कम्युनिटी बना के कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप प्रोग्राम वाले बंदे वो लोग क्या कर रहे, जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर मत करो बोलते, क्योंकि ना वो पेड मतलब बिक चुके यार। अब सीन ऐसा देखो, नॉर्मली बताता हूं पार्टनरशिप प्रोग्राम रहता क्या भाई, पार्टनरशिप प्रोग्राम में ना कुछ है ना एक सब्सक्राइबर होने के बाद में वहां पे जाते और वो लोग है ना फिर वहां पे एक बेनिफिट्स उठाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमंड्स मिलते हैं या फिर पैसा मिलता है जो भी मिलता है, तो उसके बाद में वो लोग है ना डायरेक्टली जो है ना फ्री फायर बोलता है उनके रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि अब वो ये ना जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर नहीं कर सकते क्योंकि ना वो एक पार्टनर है और अपन हम लोग है ना पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, तो हम लोग है ना डायरेक्टली जो सच है वो बता सकते हैं आप लोगों को। तो सीन यही है गाइस कि आप लोगों को अभी सच बताएंगे, तो वही सीन है, बाकी पार्टनरशिप प्रोग्राम वाले की मत सुनो, क्योंकि ना सीन ऐसा है वो है ना जो है ना घरे ना फ्री फायर बोलेंगे वही बोलेंगे वो लोग, लेकिन हम जो सच है वही बोलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अपना चैनल ट्रस्ट पे चलता है, एक भरोसे पे चलता है और भाई है ना एकदम 100% ऑथेंटिक, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, लीक्स रहती है, इवेंट्स अपडेट्स रहते हैं, टू नाइट अपडेट्स जो भी रियल रहते हैं वही बताते। तो गाइस यही बोलूंगा आपको, अगर आप चैनल पे अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ, बेल आइकन ऑल पे सेट करो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है वो सब आपको है ना तुरंत मिलने की चांसेस रहते हैं, नोटिफिकेशन अगर दबाओगे बेल आइकन के लिए। ओके, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। ओके गाइस, तो रही बात है ना यही सीन है कि 15 अगस्त को जो इवेंट है फ्री रिवॉर्ड्स ऑलमोस्ट मिलना ही चाहिए अपने को, क्योंकि ना ये बहुत बड़ा एक है ना फेस्टिव अपना इवेंट है और ये मतलब इवेंट तो आता ही 15 अगस्त को, जो 26 जनवरी को भी लास्ट टाइम आया था, दिवाली में आता है, बहुत कुछ है ना मतलब फेस्टिवल्स में आता, तो वही सीन है कि अभी है ना 15 अगस्त को आएगा, 15 अगस्त को आने वाला है इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो गाइस है ना वो अपने को अगर नहीं आता है तो अपने को उससे पहले ही नहीं आने के पहले आना चाहिए, इसलिए ना जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर करना है। और ये भी डाल देना 15 अगस्त या फिर इंडिपेंडेंस डे, नॉर्मली तो जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर हैशटैग चल ही रहा है सब जगह पे। और गाइस जो भी बंदों ने ना इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना फटक से जाके, और कुछ दिक्कत अगर होंगी तो बताना। और रही बात है ना कुछ रेडिंग कोड्स अगर अभी इतने में तो अभी आ नहीं रहे, लेकिन जो भी अपडेट आएंगा मैं आप सबको बता दूंगा जल्दी से रेडिंग कोड्स वगैरह का अपडेट। काफी ज्यादा बीच में ना रुकी पेट वगैरह के भी अपडेट्स आए थे और मैंने उस टाइम अवेलेबल नहीं था कुछ, गाइस 11 दिन का है ना लंबा है ना छुट्टी हो गई थी उस दिक्कत की वजह से ना, दिक्कत में दिक्कत होगी, लेकिन आप सबने तो रुकी पेट का वो कर ही लिया होगा मुझे पता है। होपफुली काफी लोग अभी तक है ना वीडियो देख रहे होंगे, तो आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको एक कोड बताता हूं, कोड ये है कि आपको उससे मुझे पता लगेगा आप लोगों ने कौन से बंदों ने इतने देर तक वीडियो देखा। तो कोड ये है #092092 आपको लिखना है, कोई कुछ भी कमेंट लिखो, जो भी आपको दिक्कत है कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो या फिर नाइस लिखो, जी लिखो, अच्छा वीडियो, पूरा वीडियो, जो भी आपको दिक्कत है वो बताओ। कोई बंदे अगर स्कैम कर रहे हैं, जो फेक लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ये बंदा है ना फेक रेडीम कोड कर रहा है, कुछ भी मतलब जो भी यूट्यूबर्स है आप घूमते होंगे, आप है ना वीडियोस देखते होंगे काफी ज्यादा, तो उन बंदों को आपको लगता है तो मुझे है ना नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताओ, लेकिन हैशटैग ये लिखना 092, तो उससे मुझे समझ में आएगा कि वीडियो पूरा देखना और आप जेन्युइन ऑडियंस है। तो गाइस यही सीन है। और रही बात यूट्यूबर्स की कमेंट करके क्या फायदा, तो देखो यार मैं ना वो रिपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, वो गरीना तक जो है ना ऑफिशियल यूट्यूब टीम गरीना टीम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, उनसे ना वो लोग है ना फेक जो भी रहती लाइव स्ट्रीम वो नहीं कर सकते। ओके, तो बस यही बोलना चाहूंगा यूट्यूबर्स को भी, जो भी है फेक लाइव स्ट्रीम मत करो, न्यू इन्फॉर्मेशन रियल रेडिंग कोड्स दो जो ऑफिशियल गरीना की तरफ से आती है। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। रोल इज साइनिंग ऑफ गाइस।